शांत नहीं पड़ने वाली है युद्ध की ज्वाला। लड़ने के लिए यूक्रेन को 33 अरब डॉलर देगा अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस में सहायता का प्रस्ताव पेश। जी हां, विशेष मदद आ रही है अमेरिका से यूक्रेन के। कहीं आप ये ना सोचे कि इसमें नया क्या है। अमेरिका तो आग में घी पहले से ही डाल रहा है, लेकिन अमेरिका ने जो मदद दी है वो इस मदद के आगे कुछ भी नहीं है। 33 बिलियन डॉलर, कम से कम 2541 अरब रुपए। यूक्रेन को 2541 अरब रुपए की सहायता। The cost of this fight, it's not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. जो बाइडेन ने कहा है कि कांग्रेस जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को पास करे ताकि यूक्रेन को अविलंब सहायता मिल सके। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने भी कहा कि वाकई ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन रूस दुनिया से जो कीमत वसूलना चाहता है उसके आगे ऐसी कुर्बानियां देनी ही होंगी। चलिए आपको बताते चलते हैं कि ये रकम कैसे कैसे खर्च की जाएगी। 33 अरब डॉलर में से 20 अरब डॉलर सीधे सैन्य संसाधनों पर खर्च होगा, जबकि 8.5 अरब डॉलर ज़ेलेंस्की को सरकारी खर्च के लिए मिलेंगे। 3 अरब डॉलर यूक्रेन के नागरिकों की सहायता के लिए खर्च किए जाएंगे। अमेरिका इस मदद के जरिए घिरते जा रहे रूस की घेराबंदी करने जा रहा है। We need this bill to support Ukraine in this fight for freedom, and our NATO allies, our EU partners, they're going to pay their fair share of the cost as well. But we have to do this. We have to do our part as well, leading the alliance. ज़ेलेंस्की यूं ही चौड़े नहीं हैं। उन्हें जो चाहिए था, वो सब मिल रहा है। ये अलग बात है कि रूस अब भी अपनी मनमानी कर रहा है, रोज बम और मिसाइल से हमले कर रहा है। लेकिन अब एक ट्विस्ट है। नाटो देशों से हथियारों की भरपूर खेप यूक्रेन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ही इसका खुलासा किया है। And we're facilitating a significant flow of weapons and systems to Ukraine from our allies and partners around the world, including tanks, artillery, and other weapons. That support is moving with unprecedented speed. Much of the new equipment we've announced in the past two weeks has already gotten to Ukraine, where it can be put to direct use on the battlefield. लगे हाथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की ओर से एक डिस्क्लेमर भी जोड़ दिया। वो ये कि हम रूस से जंग नहीं लड़ रहे, सिर्फ यूक्रेन और उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए सहायता कर रहे हैं। खैर, जब युद्ध भूमि में सहायता के नाम पर ही सही इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा पहुंचेगा, तो शामत रूस की भी आएगी। आज तक ब्यूरो।